जय हिंद दोस्तों, आज रिजल्ट्स आए थे और फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। एंड कई सारे बच्चे ऐसे हैं हु कुड नॉट मेक अप। ये बहुत ही एक हार्ड पॉइंट होता है, एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है कि नहीं हो पाए, क्योंकि हम पिछले 6 महीने से इसके पीछे मेहनत कर रहे थे और आप में से कई लोग 3 साल से इसके पीछे मेहनत कर रहे थे। कई लोगों का फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा हार्ड है इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना कि नहीं हो पाया। पर अगर आप में से कोई ये सोच रहा है इस पॉइंट के ऊपर कि अब छोड़ देना चाहिए कि नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रॉन्ग। हमारा ये वीडियो बेसिकली बस ये बात बोलने के लिए है कि हो सकता है कि कोई चीज़ कम रह गई। हम लड़ने के लिए गए लड़ाई में, पर कोई तो चीज़ थी जो कम रह गई जिसके कारण नहीं कर पाए। वो एक चीज़ को कवर अप कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ थी जो कम रह गई और एग्ज़ाम दे देते हैं, पास हो जाएंगे। कई लोगों के रिजल्ट्स ही एक्सेप्टेबल नहीं होंगे आप में से। आप लोग बोलेंगे नहीं यार, ये मेरा रिजल्ट हो ही नहीं सकता, इतने कम मार्क्स नहीं हो सकते, तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती है। तो वैसे भी आज के दिन मैं कुछ भी बोलूँ, ये बात आप लोगों को उतनी ज़्यादा नहीं समझ में आएगी। बस सोचिएगा ज़रूर मेरी इस बात पे कि क्या ये मतलब है कि हम लोग सीए बनना डिज़र्व नहीं करते। हम जिनकी भी बात कर रहे हैं वो सबके सब सीए फाइनल में बैठे हैं, मतलब यू हैव ऑलरेडी क्लियर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर, यानी आपके कंसेप्ट क्लियर थे इसीलिए आप यहाँ तक के पहुँचे हैं, ठीक है। और मार्क्स आए हैं जो पासिंग नहीं थे, पर मार्क्स तो आए हैं, मतलब हम वहाँ तक पहुँच गए, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ना है कि नहीं। तो एक बार रीथिंक कीजिएगा, ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते, ये सोचिए कि मैं कहाँ कम रह गया, कहाँ पे अपन प्रॉपरली नहीं कर पाए, बस वो चीज़ को अपने को कवर अप करना है, बस ये सोचिए, तो आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आपके लिए बोलना बहुत आसान है, और मेरी बातें ऐसे भी लग रहा होगा कि चुभ रही होगी आप लोगों को ही बोलने की, सर आपको क्या है, आपको तो सिर्फ बोल के चले जाना है। पर मैं हर अटेम्प्ट के बाद यही एग्जाम्पल देता हूँ जो मैं अभी दे रहा हूँ। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए टीचर, मैं पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ, इनफैक्ट 12 सालों से। तो 12 सालों में मैंने मोर देन 20 अटेम्प्ट्स पढ़ाए हैं, ठीक है। पर आज भी आप कोई सीए इंटर पास किए हुए स्टूडेंट को अगर पूछोगे ना कि तू एफआर में सुमित सारडा को जानता है क्या, तो हिज आंसर विल बी नो। 99% स्टूडेंट्स आपको नो बोल देंगे। उसका एक रीज़न तो यही है कि हाँ मैं सीए इंटर नहीं पढ़ाता, और उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि सीए फाइनल के बच्चे भी मुझे नहीं जानते, और मैं कोई बहुत अच्छा टीचर हूँ ऐसा नहीं है। मैं टीचर स्ट्रगल से बना हूँ, हाँ पैशन होगा, पर मैं कोई बहुत अच्छा टीचर हूँ नहीं है। मेरे को भी पता है कि मैं एक बहुत ही ख़राब टीचर हूँ, पर हर अटेम्प्ट में मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ कि हाँ मेरे को ये चीज़ ऐड करना है, क्योंकि मुझे इच्छा होती है कि हाँ स्टूडेंट्स को मुझे पढ़ाना है, मुझे इस चीज़ में एक्सेल करना है। एंड आई एम गिविंग दिस अटेम्प्ट सिंस लास्ट 11 ईयर्स। तो आप सोचिए, अगर मैं उस पॉइंट के ऊपर क्विट कर दूँ तो आज मैं शायद आप लोगों के सामने खड़ा नहीं होता। लाइफ में न केवल ये एक स्टेज है जहाँ पे आप स्ट्रगल करना है, आगे जाके भी आपको स्ट्रगल करना है। आप सीए बन जाएंगे तो आपको क्या लगता है, प्रैक्टिस में स्ट्रगल नहीं करना है, जॉब में स्ट्रगल नहीं करना है, लाइफ में हर स्टेज पे स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल करने का कहीं पे भी आंसर क्विट करना नहीं होता है। हमें हर चीज़ का ये ढूंढना है कि हम क्यों सक्सेस नहीं हो पाए, द रियल रीज़न फॉर नॉट सक्सेसिंग, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैंने तो ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, अभी ये नहीं सोचना, अभी ये सोचना है मैंने क्या नहीं किया था, बस ये ध्यान रखिए और उसको लेके आगे बढ़िए। डेफिनेटली अगले अटेम्प्ट में हम लोग एक्सेल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार नहीं हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ब्लॉक हो गया है, तो यू नीड टू टॉक टू समवन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख पाऊँगा, मेरा टच मतलब मेरा पैड मेरे सामने नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू माई नंबर इज़ 8600364185। यू कैन कॉल मी एनी टाइम टुडे या कल या आने वाले एक हफ्ते में, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिस्कस करने को तैयार हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं हर अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ और डेफिनेटली बात करने में सोल्यूशन निकलता है, तो हिचकिचाना मत। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली यू कैन कॉल अप, नो इश्यूज़ विद डैट, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहिए, किसी भी पॉइंट पे दुखी होने की या सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं जिस पॉइंट पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शाम को हम लोग लाइव भी आएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे चीज़ें कुछ लाइव भी डिस्कस करने की यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए एंड डोंट बी सैड।